ढोल धमाके व धर्म के जयकारों के साथ शुरू हुई श्री नाकोड़ा पार्श्वनाथ पैदल यात्रा, शहरवासियों ने यात्रियों का जगह जगह किया स्वागत। अशोक गहलोत के मुख्यमंत्री बनने पर कांग्रेसजनों ने जताया हर्ष, चांगेट पर आतिशबाजी कर किया खुशी का इजहार। दैनिक समाचार पत्र प्रबंधक के साथ मारपीट प्रकरण को लेकर डिप्टी को दिया ज्ञापन, पत्रकार बंधुओं ने हमलावरों को शीघ्र गिरफ्तार करने की रखी मांग। और उपखंड में अचानक मौसम के पलटने के कारण बड़ी सर्दी, शीतलहर के कारण क्षेत्रवासियों को छूटी धूजनी। नमस्कार, जो स्काई बुलेटिन में आपका स्वागत है, मैं हूं वर्षा पवार और चलिए रुक करते हैं खबरों की ओर। विधानसभा चुनावों के खत्म होते ही नगर निकायों में कामकाज को लेकर तेजी आ गई है। चुनाव ड्यूटियों से लौटने तथा आदर्श आचार संहिता समाप्त होने के बाद नगर परिषद के कर्मचारियों तथा अधिकारियों ने अपने विभागों के कामकाज की सुध लेना शुरू कर दिया है। इसी क्रम में शुक्रवार को नगर परिषद के अग्निशमन विभाग के कर्मचारी अपनी खराब दमकल लेकर नगर परिषद पहुंचे। इस दौरान कर्मचारियों ने परिषद आयुक्त सुखराम खोकर से मुलाकात की तथा बताया कि रखरखाव के अभाव में दमकल की गाड़ी कंडम होने के कगार पर पहुंच चुकी है, लेकिन इस ओर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। कर्मचारियों ने बताया कि गाड़ियों के टायर इतने घिस गए हैं कि ग्रामीण क्षेत्र में जाने के दौरान खतरा बना रहता है। कर्मचारियों ने इस बाबत कई बार परिषद प्रशासन को अवगत कराया गया, लेकिन आज तक इसको लेकर कोई बजट आवंटन नहीं किया गया है, जिसके कारण गाड़ियों की मरम्मत नहीं हो पा रही है, जिसके कारण दमकल चालकों तथा कर्मचारियों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इस दौरान आयुक्त खोकर ने गाड़ी का अवलोकन करते हुए शीघ्र ही गाड़ियों की मरम्मत करवा कर नई गाड़ी के लिए प्रस्ताव तैयार करने का आश्वासन दिया। शहर के दैनिक समाचार पत्र केशवधारा के प्रबंधक संदीप बुरड़ के साथ 10 दिसंबर को कुछ लोगों द्वारा ऑफिस में घुसकर की गई मारपीट तथा तोड़फोड़ प्रकरण को लेकर शुक्रवार को शहर के पत्रकारों ने डिप्टी तथा एसडीएम को एक ज्ञापन दिया। ज्ञापन में पत्रकार बंधुओं ने प्रकरण में लिप्त लोगों को शीघ्र गिरफ्तार करने की मांग की है। सहायक पुलिस उपाधीक्षक हीरालाल सैनी को दिए गए ज्ञापन में बताया गया कि 4 दिन पूर्व घटित उक्त घटनाक्रम को लेकर अब तक कोई कार्यवाही नहीं की गई है, जिसके कारण पत्रकार बंधुओं में रोष व्याप्त है। इस दौरान डिप्टी सैनी ने 2 दिन का समय लेते हुए शीघ्र ही हमलावरों को गिरफ्तार करने का आश्वासन दिया है। मालूम हो कि केशवधारा समाचार पत्र में भाजपा नेता महेंद्र सिंह के संबंध में प्रकाशित एक खबर को लेकर स्वयं महेंद्र सिंह ने प्रबंधक संदीप बुरड़ को घटना के 2 दिन पहले टेलीफोन पर मारने की धमकी दी थी। इसी प्रकार किशोर सिंह रावत नामक एक व्यक्ति द्वारा भी प्रार्थी को इसी प्रकार की धमकी दी गई। धमकी के 3 दिन बाद ही रावत के समर्थकों ने समाचार पत्र के ऑफिस में घुसकर बुरड़ के साथ मारपीट करते हुए ऑफिस में तोड़फोड़ कर दी। ज्ञापन में इस प्रकार के लोगों के खिलाफ सख्त कार्यवाही कर उन्हें गिरफ्तार करने की मांग की है। इसके अभाव में पत्रकार आंदोलन के लिए बाध्य होंगे। इसी प्रकार पत्रकार बंधुओं ने उपखंड अधिकारी कार्यालय पहुंचकर कार्यालय के बाहर विरोध प्रदर्शन किया तथा हमलावरों को शीघ्र ही गिरफ्तार करने की मांग की। इस पर एसडीएम चौधरी ने भी शीघ्र ही उचित कार्यवाही करवाने का आश्वासन दिया। ज्ञापन देने वालों में पत्रकार विमल चौहान, जगदीश शर्मा, गोविंद शर्मा, किशन नटराज, भगवत दयाल सिंह, मनीष शर्मा, मुकेश शर्मा, विष्णु धीमान, संजय सिंह गहलोत, मयंक भारद्वाज, कुलभूषण उपाध्याय, दिलीप सिंह रोहिल्ला, हेमंत साहू, राधेश्याम दर्जी, कमल जलवानिया, देवराज सोनी, मुकेश चौहान, विष्णु जलवानिया, प्रकाश भाट सहित अन्य पत्रकार बंधु शामिल थे। 24 नवंबर को एक चुनावी खबर प्रकाशित हुई थी, उस खबर को लेके भाजपा नेता महेंद्र सिंह रावत द्वारा मुझे 2-3 बार फ़ोन पे जान से मारने की धमकी दी गई एवं खबर को प्रकाशन को लेकर महेंद्र सिंह के भांजे आकाश सिंह रावत द्वारा मेरे कार्यालय में गत 10 दिसंबर को 8 से 10 जने आए, तोड़फोड़ लूटपाट की एवं
भविष्य में महेंद्र सिंह रावत के खिलाफ किसी भी प्रकार की खबर लिखने या प्रकाशित करने बाबत मुझे जान से मारने की धमकी दी। प्रकाशन समाचार प्रकाश पत्र के प्रकाशन को बंद करने आदि कई तरह की लगातार धमकियां मुझे मिल रही है। हमारे पत्रकार साथी संदीप बूरड के कार्यालय में जिन लोगों ने हमला किया था, उन हमलावरों को गिरफ्तार करने के लिए आज पत्रकारों ने संगठित होकर डीएसपी साहब को ज्ञापन दिया है और उनसे निवेदन किया है कि जो भी दोषी हमलावर हैं उनको शीघ्र गिरफ्तार किया जाए। डिप्टी साहब ने सभी पत्रकारों की बात को गंभीरता से लेते हुए उन्होंने दो दिन का आश्वासन दिया कि दो दिन में ऐसे लोग जो हमलावर थे उनको गिरफ्तार कर लिया जाए। उपखंड में शुक्रवार सीजन का सबसे ठंडा दिन रहा। न्यूनतम तापमान गिरकर 7 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया। अधिकतम तापमान भी 16 डिग्री रहा, जिस कारण दिन भर लोग ठिठुरते रहे। मौसम विभाग की माने तो आने वाले दिनों में सर्दी और सताएगी। शुक्रवार को सबसे अधिक परेशानी शीतलहर के कारण हुई। शुक्रवार की सुबह का स्वागत धुंध से हुआ और ठंड का एहसास काफी अधिक हुआ। बाजार में भी 11 बजे के बाद ही चहल पहल देखी गई। सबसे ज्यादा परेशानी विद्यार्थियों और दैनिक यात्रियों को हुई। लोगों की माने तो ऐसी ठंड में हालत काफी भयंकर हो चुकी है। बाजारों में भी रौनक काफी कम है और लोग जरूरी काम हो तभी अपने घरों से निकल रहे हैं। शाम को भी दुकानदार समय से पहले ही अपनी दुकानें बंद कर घरों को जा रहे हैं। ठंड के कारण कई अभिभावकों ने अपने नौनिहालों की स्कूलों की छुट्टियां करवाना शुरू कर रखा है। अभिभावकों का मानना है कि सर्दी के कारण बच्चे बीमार हो रहे हैं। सबसे ठंडे दिन की वजह से जिंदगी के साथ साथ कारोबार की रफ्तार भी मंद रही। कारोबारी अपने दुकानों में हीटर वे ब्लोअर लगाकर बैठे ग्राहकों के इंतजार करते रहे। गर्म कपड़ों की दुकानों और डेली नीड्स के सामानों की दुकानों को यदि छोड़ दिया जाए तो अधिकतर दुकानें ग्राहकों से महरूम रही। दुकानदारों के कारिंदे भी दुकानों के बाहर किनारों पर अलाव लगाकर सर्दी से बचने का प्रयास करते नजर आए। श्री वर्धमान कन्या महाविद्यालय ब्यावर में छात्रा संघ के तत्वावधान में खेलकूद प्रतियोगिताओं के अंतर्गत विभिन्न प्रतियोगिताएं आयोजित हुई। खेल संयोजक श्री अनूप आर्य ने बताया कि इस दौरान 200 मीटर रेस में प्रथम स्थान पर अफसाना बानो, द्वितीय स्थान पर आशा गहलोत तथा तृतीय स्थान पर मोहसिना बानो रही। लंबी कूद में प्रथम स्थान पर अफसाना बानो, द्वितीय स्थान पर संगीता पोपावत व तृतीय स्थान पर डिम्पल सोनी रही। इसी प्रकार मटकी रेस प्रतियोगिता में प्रथम स्थान पर संगीता पोपावत, द्वितीय स्थान पर शिल्पा व तृतीय स्थान पर शालू गहलोत रही। ऊंची कूद में प्रथम स्थान पर पूजा कंवर, द्वितीय स्थान पर कोमल चौहान व तृतीय स्थान पर संगीता पोपावत व अवसरी बानो रही। रस्सी कूद में डिंपल सोनी प्रथम स्थान पर, द्वितीय स्थान पर संजू गुर्जर, तृतीय स्थान पर आशा गहलोत रही। त्रिपद कूद में प्रथम स्थान पर अफसाना बानो, द्वितीय स्थान पर मोहसिना बानो व तृतीय स्थान पर डिंपल रही। तश्तरी फेंक में प्रथम स्थान पर अफसाना बानो, द्वितीय स्थान पर संगीता पोपावत व तृतीय स्थान पर डिंपल रही। चेयर रेस में संकाय सदस्यों में प्रथम स्थान पर डॉक्टर मंजूसान, द्वितीय स्थान पर वर्षा तापड़िया रही। स्लो बाइक रेस में संकाय सदस्यों में प्रथम स्थान पर नितिन साहू तथा द्वितीय स्थान पर अनुपारी रहे। नववर्ष में 1 अप्रैल 2019 के बाद वाहन खरीदने वाले लोगों को नंबर प्लेट के लिए परिवहन विभाग कार्यालय के चक्कर लगाने की कवायद से निजात मिलने वाली है। इसके लिए केंद्रीय मोटरयान नियम 1989 में संशोधन किया जा चुका है। नए संशोधन के लिए अब वाहन निर्माता कंपनी वाहन के साथ ही नंबर प्लेट उपलब्ध करवाएगी तथा संबंधित पंजीकृत वाहन विक्रेता वाहन स्वामी को नंबर उपलब्ध करवाएगा। इसके लिए केंद्रीय मोटरयान नियम 1989 में 10 अप्रैल 2018 को संशोधन भी किया जा चुका है। जिला परिवहन अधिकारी बीएल गुर्जर ने बताया कि पूर्व में वाहन निर्माता कंपनी की ओर से नंबर प्लेट तथा नंबर उपलब्ध नहीं करवाए जाते थे। इसके लिए वाहन स्वामी को परिवहन कार्यालयों में अलग से आवेदन करना पड़ता था। आवेदन के आधार पर ही वाहन स्वामी को नंबर तथा प्लेट उपलब्ध करवाई जाती थी। इस प्रोसेस में कई दिनों का समय लग जाता था। वाहन स्वामियों को होने वाली परेशानियों तथा समय की बचत को देखते हुए केंद्रीय मोटरयान नियम में संशोधन किया गया है। गुर्जर ने बताया कि केंद्रीय मोटरयान विभाग की ओर से जारी हुए गजट नोटिफिकेशन के बाद आगामी नववर्ष में वाहन मालिकों को परेशानियों से निजात मिलेगी तथा समय की भी बचत होगी। मालूम हो कि अब तक वाहन स्वामी को आरटीओ ऑफिस या फिर विभाग की ओर से नंबर प्लेट लगाने के लिए अधिकृत किए गए सर्विस प्रोवाइडरों की ओर से हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगाई जा रही थी, जिसके कारण
अधिक समय लग रहा था। प्रदेश में तो विगत कई महीनों से हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगाने वाली सर्विस प्रोवाइडर कंपनी के टेंडर नहीं होने के कारण वाहन स्वामियों को सादा नंबर ही लिखवाने पड़ रहे थे, लेकिन विभाग की ओर से जारी आदेशों के बाद वाहन स्वामियों को परेशानियों से निजात मिलेगी। नए वाहन आ रहे थे उनमें हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट या तो जो सर्विस प्रोवाइडर था उसके स्तर पर लग रही थी, या कतिपय समय में जो है उच्च न्यायालय के और माननीय न्यायालय के निर्देशों के तहत अभी नए कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो पाए तो ओपन मार्केट से लग रही है। लेकिन 1 अप्रैल 2019 से अब गजट नोटिफाई सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो है आदेश निकाल दिए हैं कि सभी वाहन जो मैन्युफैक्चरिंग हो गए तो कंपनी स्तर पर ही वो प्लेट तैयार होकर के आएगी। खबरों में यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे कुछ और खबरों के साथ। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। श्री पाशव नाकोड़ा मित्र मंडल की ओर से शुक्रवार को 7 सदस्यों का एक जत्था श्री नाकोड़ा भैरव धाम नाकोड़ा जी के लिए धूमधाम तथा ढोल धमाकों के साथ हर्षोल्लास पूर्ण वातावरण में रवाना हुआ। इससे पूर्व जत्थे के सभी यात्री शहर के मेवाड़ी गेट बाहर स्थित श्री बाबा रामदेव मंदिर पर एकत्रित हुए। यहाँ पर सभी यात्रियों ने बाबा रामदेव के दर्शन करते हुए पूजा अर्चना की तथा यात्रा की सफलता के लिए आशीर्वाद प्राप्त किया। इस दौरान जत्थे के यात्रियों ने आसपास के वातावरण को बाबा रामदेव तथा नाकोड़ा पार्श्वनाथ के जयकारों से गुंजायमान कर दिया। इस दौरान श्री सीमेंट के आर एन डानी, एससी कोठारी तथा समाज सेवी दिलीप श्रेष्ठीमाल ने यात्रियों का माला पहनाकर स्वागत किया। इस मौके पर यात्रा संयोजक दिलीप विनायकिया का साफा विशोल उड़ाकर बहुमान किया। इसके पश्चात जत्थे के यात्री मेवाड़ी गेट बाहर स्थित रांका जी के बगीचे से रवाना होकर धर्म के जयकारे लगाते हुए मेवाड़ी गेट, महावीर बाजार, भैरव जी का खेजरा, भारत माता सर्किल, पाली बाजार, लोहरान चौक पर चांग गेट, सेंदा रोड होते हुए होटल राजमहल पहुंचे, जहां पर विधायक शंकर सिंह रावत तथा भाजपा नेता मनीष मेहता ने यात्रियों का माला पहनाकर स्वागत किया। होटल राजमहल पर स्वागत के पश्चात पैदल जत्था नाकोड़ा तीर्थ के लिए प्रस्थान कर गया। इसके बाद मार्ग में जगह जगह यात्रियों का स्वागत किया गया। यात्रा के रवाना होने के मौके पर प्रकाश जैन, भागचंद चौहान, महेंद्र साकला, राजेंद्र ओस्तवाल, चंदू बोहरा, कमल तातेड़, लक्ष्मी चंद भंडारी, प्रकाश मेहता, प्रकाश मकाना सहित अन्य शहरवासी उपस्थित थे। चुनाव आचार संहिता 11 दिसंबर को मतगणना पूरी होते ही समाप्त हो गई। आचार संहिता चुनाव की तारीख घोषित होते ही 6 अक्टूबर की दोपहर 3 बजे से लागू हुई थी। इसके चलते शहर सहित ग्रामीण क्षेत्र में कई विकास कार्यों पर विपरीत असर पड़ा रहा था, साथ ही सरकारी दफ्तरों में रोजमर्रा के काम भी प्रभावित हो रहे थे। मगर अब चुनाव सम्पन्न होने के साथ ही आचार संहिता समाप्त हो गई है। शुक्रवार को सरकारी ऑफिसों में रौनक नजर आई। कर्मचारियों के साथ अधिकारी भी अपनी सीट पर बैठकर कामकाज को अंजाम देते हुए दिखे। माना जा रहा है कि सोमवार से रोज की तरह काम गति पकड़ लेगा। आचार संहिता लागू होने के कारण समूचा सरकारी अमला चुनावी तैयारियों में व्यस्त हो गया था। इस कारण से कई पात्र परिवारों को सरकारी योजनाओं के तहत लाभ देना बंद कर दिया गया था। यहाँ तक कि सरकारी महकमों में पेंशन, खाद्य सुरक्षा सहित अन्य योजनाओं से जुड़े नए आवेदन नहीं लिए जा रहे थे। जिन लोगों ने आचार संहिता लगने से पहले आवेदन किया था उनकी भी स्वीकृति अटक गई। आचार संहिता के दौरान सरकारी कार्यालयों में भी केवल रूटीन के कामकाज हो रहे थे। दर्जनों विकास कार्य भूमि पूजन से आगे नहीं बढ़ पा रहे थे। अब इन कामों को गति मिलेगी। लंबे इंतजार के बाद शुक्रवार शाम को कांग्रेस आलाकमान राहुल गांधी की ओर से प्रदेश के 15वें सीएम के रूप में अशोक गहलोत का नाम घोषित करते ही ब्यावर के कांग्रेस जनों में खुशी की लहर दौड़ गई। गहलोत के नाम की घोषणा होते ही कांग्रेस जनों ने एक दूसरे को फोन पर बधाई दी तथा खुशी का इजहार किया। इस मौके पर शुक्रवार शाम को शहर के चांगेट स्थित महात्मा गांधी सर्किल पर एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में उपस्थित कांग्रेस जनों ने आतिशबाजी की तथा अशोक गहलोत जिंदाबाद के नारे लगाए। इस दौरान
कांग्रेस जनों ने आलाकमान राहुल गांधी का भी आभार प्रकट किया। कार्यकर्ताओं ने राहुल गांधी जिंदाबाद तथा सोनिया गांधी जिंदाबाद के भी नारे लगाए। इस मौके पर कांग्रेस जनों ने खुशी का इजहार करते हुए कहा कि अशोक गहलोत के नेतृत्व में घटित होने वाली कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में प्रदेश में विकास के नए आयाम स्थापित होंगे। आतिशबाजी करने तथा खुशी का इजहार करने वालों में आनंद सिंह सुरडिया, धन्ना सिंह भाटी, घनश्याम फुलवारी, पार्षद हनुमान चौधरी, राहुल चतुर्वेदी, राजेंद्र तुंगरिया, चंद्रशेखर शर्मा, बीआर सेन, भानु शर्मा, प्रवीण मोयल, अशोक साहू, एहसान चिंगारी, शाहिद खान, देवेंद्र चौहान, रामस्वरूप साहू, मयंक तिवारी तथा संदीप नायकला सहित अन्य कांग्रेस जन शामिल थे। बिहार विधानसभा युवक कांग्रेस द्वारा आतिशबाजी की गई और अब युवाओं में एक उत्साह आया है कि अब युवाओं को ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार मिलेगा। विधवा पेंशन जो इतने समय से बंद हो गई थी, कांग्रेस की जो पुरानी योजनाएं थी जो इतने समय से बीजेपी सरकार ने बंद कर दी थी, अब वो सुचारू रूप से वापस स्टार्ट होगी। इसलिए हम सभी ब्यावरवासी तय दिल से श्रीमान हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल जी गांधी जी का धन्यवाद अर्पित करते हैं कि उन्होंने हमारे मन की आवाज़ सुनी और हमारे जननायक राजस्थान के गांधी श्रीमान अशोक जी गहलोत को यहाँ का मुख्यमंत्री बनाया। विधानसभा चुनावों में ब्यावर विधानसभा चुनावों में कांग्रेस पार्टी की नजदीकी हार को लेकर शुक्रवार को युवा कांग्रेस नेताओं की एक समीक्षात्मक बैठक का आयोजन किया गया। शहर के कॉलेज रोड स्थित अरिहंत अपार्टमेंट में आयोजित बैठक की अध्यक्षता युवा कांग्रेस नेता राहुल सांकला ने की। समीक्षात्मक बैठक में चर्चा आरम्भ करते हुए धनंजय गोड़ ने प्रत्येक बूथवार मत प्रतिशतों का आंकड़ा प्रस्तुत किया। प्रस्तुत आंकड़ों का निष्कर्ष निकालते हुए कार्यकर्ताओं ने कहा कि वर्तमान चुनाव ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष अजय शर्मा के नेतृत्व में लड़ा गया, इसके बावजूद प्रत्येक बूथ पर कांग्रेस का मत प्रतिशत भाजपा की तुलना में बहुत कम था। मतदान के दौरान प्रत्येक बूथ पर बूथ अध्यक्षों व कार्यकर्ताओं की कमी भी पाई गई। इतना ही नहीं, स्वयं ब्लॉक अध्यक्ष अजय शर्मा के बूथ व क्षेत्र में भाजपा का मत प्रतिशत कम पाया गया। बैठक में युवा नेता तथा पार्षद राहुल चतुर्वेदी ने अपने विचार रखते हुए कहा कि चुनाव संचालन समिति द्वारा पार्टी के निष्ठावान कर्मठ तथा पुराने कार्यकर्ताओं की अवहेलना की गई, जिसके कारण प्रदेश में कांग्रेस की लहर होते हुए भी ब्यावर विधानसभा से कांग्रेस प्रत्याशी को हार का सामना करना पड़ा। समीक्षात्मक बैठक के मौके पर उपस्थित कार्यकर्ताओं ने उक्त हार के लिए ब्लॉक अध्यक्ष को जिम्मेदार बताते हुए शीघ्र ही उन्हें नैतिकता के आधार पर इस्तीफा देने की मांग की है। बैठक में राहुल चतुर्वेदी, धनंजय गौड़, राहुल साकला सहित अन्य युवा कांग्रेस कार्यकर्ता उपस्थित थे। युवक कांग्रेस के सभी कार्यकर्ताओं ने एक मत होकर के विधानसभा चुनाव में रही कमियां व ये नजदीकी हार जो ब्यावर कांग्रेस पार्टी के ने उठाई है, इसको लेकर समीक्षा बैठक आज आहूत की गई थी। सभी कार्यकर्ताओं ने एक मत होकर वर्तमान ब्लॉक अध्यक्ष की कमियों व खामियों को लेकर चर्चा की व उनसे इस पद से त्वरित प्रभाव से इस्तीफे की मांग करी है। आज के सुबुलेटिन में फिलहाल इतना ही। अपनी टीम के साथ दीजिए इजाजत, फिर मिलेंगे। नमस्कार। ढोल धमाके व धर्म के जयकारों के साथ शुरू हुई श्री नाकोड़ा पार्श्वनाथ पैदल यात्रा, शहरवासियों ने यात्रियों का जगह जगह किया स्वागत। अशोक गहलोत के मुख्यमंत्री बनने पर कांग्रेस जनों ने जताया हर्ष, चांगेट पर आतिशबाजी कर किया खुशी का इजहार। दैनिक समाचार पत्र प्रबंधक के साथ मारपीट प्रकरण को लेकर डिप्टी को दिया ज्ञापन, पत्रकार बंधुओं ने हमलावरों को शीघ्र गिरफ्तार करने की रखी मांग।
और उपखंड में अचानक मौसम के पलटने के कारण बड़ी सर्दी, शीतलहर के कारण क्षेत्रवासियों को छूटी धूजनी।